दोस्तों यूपी के बांदा जिले में प्रेम प्रसंग में एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेही पर कुल्हाड़ी और मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। आरोपी महिला के 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पुलिस के मुताबिक गिरुआ थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में निवासी अर्जुन उर्फ छोटे पुत्र भैयन प्रजापति घर से करीब 100 मीटर की दूर पशुबाड़े में रविवार रात सोने गया था। सोमवार सुबह बड़ा भाई भैरमदीन मवेशियों को चारा देने पहुंचा तो अर्जुन का लहूलुहान शव चारपाई पर पड़ा मिला। गले और सिर पर कुल्हाड़ी से वार किए गए थे। उसने ग्रामीणों के साथ पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह नरेनी, कोतवाली प्रभारी मनोज शुक्ला, अपर SP लक्ष्मी निवास मिश्र और CO नितिन कुमार मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। बैरमदीन ने बताया कि रात में अर्जुन का फोन आया था। उसने बताया कि गांव की बिटोला यादव और मुन्ना पांडे दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं। मैंने उसे दरवाजा खोलने से मना कर दिया और कहा कि उसने उनसे कह दो कि सुबह मिलने आए। बैरमदीन का आरोप है कि मुन्ना और बिटोला ने ही अर्जुन की हत्या की है। पिता ने थाने में मुन्ना पांडे और बिटोला यादव के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक बिटोला का पति दिल्ली में पत्थर काटने का काम करता है। अर्जुन भी उसी के पास नौकरी करता था। बिटोला के गांव के ही मुन्ना से संबंध थे। इस बीच अर्जुन से भी उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वह जब भी गांव आता था बिटोला उससे मिलती थी। मुन्ना को इस प्रेम प्रसंग का पता चला तो उसने बिटोला के साथ मिलकर अर्जुन को मार डाला। SP ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है, जाँच की जा रही है।